देश में 88 दिनों बाद सबसे कम कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही लगातार दूसरे दिन 60,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 53,256 नए कोरोना केस आए हैं और 1,422 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 78,190 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 26,356 एक्टिव केस कम हो गए। देश में लगातार 39वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी दर्ज हुई है। 20 जून तक देश भर में 28 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 30,39,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक 39,24,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% रहा है। आज कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,99,35,221, कुल डिस्चार्ज 2,88,44,199, कुल एक्टिव केस 7,02,887, कुल मौतें 3,88,135। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।